अब हम चलते हैं सेक्शन थ्री की तरफ। सेक्शन थ्री किसको के बारे में बात करता है? डेराक निकालिए, उसने डायर के समझते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब क्या है कि जो ये आपकी एलएलपी होती है वो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। मैंने जैसे अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया था, सेक्शन टू की डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट को बोला था, तो ये क्या है, एलपी एक क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, और ये क्या है, एक लीगल एंटिटी भी है। मतलब अगर कोई भी केस फाइल होता है तो ये एलपी के थ्रू ही केस फाइल होगा। अगर किसी ने इसको रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसके अगेंस्ट भी बेसिकली केस फाइल हो सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट रजिस्टर्ड एलपी आल्सो। सेकंड पॉइंट जो है सेक्शन थ्री का, ये बोलता है कि ये क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब ये अगर कोई सी की भी डेथ हो जाती है पार्टनर में, तब भी जो ये एलपी है विल रन। ठीक है, वो क्या करती रहेगी, रन करती रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए की डेथ हो जाती है, ए और बी क्या थे, इस एलपी में पार्टनर थे। अगर ए की डेथ हो जाती है तो मिनिमम मेंबर्स तो दो बोले गए थे कि दो मेंबर तो होने ही चाहिए किसी भी एलपी में। अगर ए की भी डेथ हो जाती है तब भी क्या ये एलपी रन करती रहेगी? यस, इट विल कीप ऑन रनिंग। और इसमें क्या होगा, बी जो होगा वो मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है, सॉरी सेक्शन फोर, हाँ, और हाँ, इसमें जो थर्ड पॉइंट है सेक्शन थ्री का, वो ये बोलता है एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलपी शैल नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो एलपी में है उसमें कोई भी पार्टनर कभी भी छोड़ सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार एंड अदर पार्टनर्स ऑफ कोर्स, बट इसमें एलपी में क्या कर सकता है, कोई भी पार्टनर जो है वो एंटर कर सकता है, मतलब वो मेंबर बन सकता है इस एलपी का, और कोई भी न्यू पार्टनर आ सकता है, कोई भी फॉर्मर पार्टनर क्या कर सकता है, इसको छोड़ सकता है। मे बी इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी कोई छोड़ रहा है, या डेथ के वजह से, किसी के वजह से वो डिसकंटिन्यू कर रहा है, तब भी ये क्या करती रहेगी, एलपी रन करती रहेगी। और इसमें पार्टनर्स आ सकते हैं, फॉर्मर पार्टनर जा सकते हैं, न्यू पार्टनर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके कोई भी एग्जिस्टेंस पे, एलपी के एग्जिस्टेंस पे, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलपी विल रन इवन द फॉर्मर पार्टनर इज बीइंग डेड और इंसॉल्वेंट। कुछ भी हो गया पुराने पार्टनर्स को, या तो मर गए हैं, या वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, या न्यू पार्टनर ने ज्वाइन कर रहा है, इट डजंट मैटर। इन शॉर्ट द एलपी विल रन, एलपी को भाई कुछ नहीं होने वाला है। इन शॉर्ट ये थी कहानी। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन फोर की तरफ, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। जैसे मैंने बताया, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं है। पर एलपी को मैंने जैसे बताया रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत कंपलसरी है, तो जो पार्टनरशिप है वो नहीं अप्लाई होती है एलपी पे। ये कौन बोलता है, ये सेक्शन फोर क्लियरली बोलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन फाइव, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, हु कैन बी पार्टनर, कौन पार्टनर हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअली पार्टनर हो सकता है और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर हो सकता है। इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब एक ए एज ए इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान यहाँ पे आ सकता है और क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, किसका, एलएलपी का। और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या है, एक पूरी बॉडी है, कॉर्पोरेट मतलब 10 लोगों की पूरी क्या है, बॉडी है ये, 10 मेंबर्स थे इसमें। ठीक है, और ये जाके क्या कर सकती है, एक ये एलएलपी थी, ठीक है, इसको क्या कर सकती है, इसकी पार्टनर बन सकती है। ठीक है, अब यह है कि कौन बन सकता है, एक इंडिविजुअल भी बन सकता है और एक बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है। अब कौन नहीं बन सकता, ऑफ कोर्स एक अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता, एक इंसॉल्वेंट पर्सन वो नहीं बन सकता, या तो थर्ड कौन नहीं बन सकता, किसी भी ऐसे इंसान की जो इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हो वो भी नहीं बन सकता है। Of course, a minor also cannot be a member of LP, और एक minor भी LP का member नहीं बन सकता है। तो इसमें क्या है, आप 3 लोगों को सोच लो, नहीं बन सकते। ठीक है, एक unsound mind person नहीं बन सकता, एक इंसान जो insolvent हो चुका है वो नहीं बन सकता, और third जिसकी application pending है insolvency की वो भी नहीं बन सकता, और fourth ये समझ लीजिए आप, minor कभी भी क्या नहीं बन सकता, member नहीं बन सकता LP का। ठीक है, तो ये क्या था आपका सेक्शन फाइव, आपका बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है।
अब हम आते हैं सेक्शन सिक्स की तरफ। यहाँ पे क्या है, सेक्शन सिक्स मेंबर, मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए आपके? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कितने चाहिए, दो मेंबर। दो मेंबर तो होने कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि दो मेंबर्स तो आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर भी अपॉइंट हो गए ना, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस पूरी की पूरी एलपी को चलाने के लिए, कोई लीगल एक्शन लेने के लिए है, कोई लीगल एक्शन लिया जाता है उनके ऊपर। तो एलपी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एलपी में क्या, कितने मेंबर्स होने चाहिए, टू पार्टनर्स होने कंपलसरी हैं, ठीक है। और अगर क्या हुआ कि भाई ए और बी पार्टनर थे, तो ए और बी क्यों लेते हैं, लेते हैं हम लोग राकेश एंड रमेश। रमेश ले लें, ओके। राकेश और रमेश क्या करते हैं, एक एलपी चलाते हैं। अब राकेश क्या करा, 6 मंथ्स तक बेसिकली वो एलपी को छोड़ दिया उसने, ठीक है। क्या कर दिया, 6 मंथ्स तक उसने क्या करा, छोड़ दिया, उसने काम ही नहीं करा। और दूसरे पार्टनर को, रामेश को, इन्फॉर्मेशन भी थी इस चीज की। तो अब 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, रामेश विल बी लीगली लायबल फॉर ऑल द एक्शन। रामेश क्या होगा, लीगली लायबल होगा हर एक एक्शन के लिए, बिकॉज राकेश को इन्फॉर्मेशन थी। क्योंकि दो एलपी, दो इंसान, राकेश और रामेश ही एलपी को चला रहे थे ना, और ये दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे। अगर बाद में कोई भी एक्शन लेना होता है, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए एलपी नहीं चला रहा था राकेश, और उसको पता था रामेश को कि भाई राकेश ने तो छोड़ दी, तो अब क्या होगा, राकेश, रामेश विल बी लीगली लायबल। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 2 लिखा है, लिखा है। इफ द मेंबर ऑफ द पार्टनर रिड्यूस बिलो 2 एंड कैरी ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर, यहाँ पे ओनली पार्टनर कौन था, रामेश था, वो ही चला रहा था, will be personally liable for the obligation incurred during the period. अब कोई भी legal action होता है, कोई भी situation create होती है, तो उसके लिए कौन legally liable होगा, रामेश, क्योंकि उसको information थी। अब suppose एक question आता है, हमें नहीं information, रामेश को information नहीं थी कि राकेश ने छोड़ दिए, तब नहीं होगा वो liable। क्या नहीं होगा, तब रामेश नहीं होगा liable, ठीक है, समझ में आया। अब हम चलते हैं 7th के। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, ठीक है। पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट है कि कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने ही चाहिए, ठीक है। और ये भी एक चीज इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो अपॉइंट हो गया। अब हम ना कोई नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राजू, सेकेंड संजय, ठीक है। अब क्या है, राजू जो है वो इंडिया में 120 डेज से तक रहा है, और संजय क्या है 60 डेज ही रहा है, ठीक है। ये इंडिया के अंदर रहता है, विद इन इंडिया, और ये आउटसाइड इंडिया रहता है। तो ये क्या हो गया, क्या ये सिचुएशन अप्लाई होगी, यस ये सिचुएशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो अपॉइंट होने ही चाहिए, बट ये चीज बहुत कंपलसरी है कि एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजू, वो 120 डेज में क्या करना चाहिए, वो 120 डेज एक ईयर में इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एवरी एलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, लिखा है 2 एटलीस्ट होना चाहिए, और 1 क्या होना चाहिए, इसका रेजिडेंट होना चाहिए। राजू क्या है, यहाँ का रेजिडेंट है इंडिया का, क्या है, इंडिया का रेजिडेंट है। एंड नॉमिनी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई भी नॉमिनी है बॉडी कॉर्पोरेट का, तो वो भी क्या कर सकता है, वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर काम कर सकता है। अब कितने डेज के लिए रहना चाहिए, वो 120 डेज के लिए तो एक ईयर में रहना ही चाहिए जो भी सिटीजन है इंडिया का, और क्या है, वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंटेड है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, ये आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर के सारे पॉइंट्स थे, ओके चलो। अभी ना मिड सेक्शन 7 में कुछ पॉइंट्स रह गए जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, वो हम वेराट से देखते हैं, एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पे है कि आपके सेक्शन 7
सबसेक्शन टू में आएंगे तो स्पेसिफाई व्हाट, तो बेसिकली जो आपके जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, जब भी आप एक एलपी को इनकॉर्पोरेट करवाते हो तो जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मेंशन करने का कि कौन से बेसिकली दो लोग हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजिशन को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये आपका किसमें लिखा है, सेक्शन 7(2) में लिखा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज होनी चाहिए, स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम लिमिटेड एलपी इज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी सच पार्टनर शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। और ये भी होना चाहिए कि कौन सा पार्टनर जो है वो क्या है, आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर है और किस टाइम से किस टाइम के लिए, ठीक है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन में, फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए वो डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ देता है और सी को अपॉइंट करते हो, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको, जो रेगुलरली चेंजेस होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर में, क्या एक ने हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन छोड़ दी, सी अपॉइंट हो गया, वो भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलपी अनलेस ही हैज गिवन प्रायर कंसेंट टू एक्ट। और बेसिकली इसमें क्या मिलनी चाहिए, सारे पार्टनर्स को बेसिकली कंसेंट मिलनी देनी पड़ेगी कि बेसिकली इस इंसान को डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज कर ली जाए। और रजिस्ट्रार को ये सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी चेंजेस होते हैं आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर की इंफॉर्मेशन की, अब ए नहीं है, अब सी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर है, या न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज करा जा रहा है, या फॉर्मर अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजिशन छोड़ती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को देनी तो पड़ेगी, बट कितने टाइम फ्रेम में, 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब दूसरी, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन टू सेक्शन 7(6) में एक चीज और बोल रहा है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और उसका नाम क्या बोला जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या बोला जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वो उसको प्रोवाइड करा जाएगा। कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या बात हो गई आपकी, सेक्शन 7 की बात हो गई जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बोल रहा है। इस बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होना चाहिए, एक इंडिया में रेजिडेंट तो होना ही चाहिए, प्लस 120 डेज में तक इंडिया में रहना चाहिए फॉर इन अ वन फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल के में वो 120 डेज तो इंडिया में रहना ही चाहिए। थर्ड ये बोला है कि अगर कोई भी चेंजेस होते हैं डेजिग्नेट पार्टनर के बीच में, फॉर एग्जांपल न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर आता है, या तो कोई फॉर्मर, या तो पहला का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो अपनी पोजिशन छोड़ देता है फॉर एग्जाम्पल, या डेथ हो जाती है उसकी, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर। और आपका फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलना चाहिए, जो उसको कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और उसको सारी की सारी जितने डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो भी पोजिशन हो, जो भी पर्सन अपॉइंट होगा, उसको कंसेंट मिलना चाहिए जितने भी पार्टनर हैं टू बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेजिग्नेटेड पार्टनर के, वो मैंने भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि बेसिकली लाइबिलिटीज क्या है डेजिग्नेटेड पार्टनर की। तो लाइबिलिटीज किसमें मेंशन किए, सेक्शन 8 के अंदर मेंशन किए हैं, व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटीज हैं कि उसको डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं एलपी में, रिटर्न्स भरने हैं, उसको स्टेटमेंट देने हैं, उसको कोई भी ऐसा एक्शन होता है तो उस पर रिएक्ट करना है, उसको पेनल्टीज भरनी है, वो सारी की सारी ड्यूटीज होती हैं आपकी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब हम चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ कि व्हाट आर द चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर आप कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसकी जो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप एक रजिस्ट्रार को दोगे 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। एक बार सेक्शन 9 की तरफ पढ़ते हैं, एलपी में अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी राइजिंग फॉर एनी रीजन। फॉर एग्जांपल अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन खाली पड़ी है 30 डेज बहुत टाइम के लिए, तो 30 डेज के अंदर अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा,
न्यू पोजीशन उसकी फिल करनी पड़ेगी, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी पड़ेगी विद इन द 30 डेज ऑल्सो। ठीक है, फिर प्रोवाइडेड दैट इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड और इफ एन एट एनी टाइम देयर इज ओनली वन डेजिग्नेट पार्टनर, ईच पार्टनर शैल बी डील्ड टू अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सिर्फ एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तब क्या होगा? तब बेसिकली जितने भी पार्टनर्स होंगे वो क्या होंगे, एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर की के तरह काम करेंगे। ठीक है,